हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, क्या आप अपने डिवाइस का वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों ही एक साथ इनेबल कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर मैंने एक वीडियो बनाई थी लगभग 6 महीने पहले, जिसमें आप लोगों को बताया था कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। परंतु वो OnePlus 70 डिवाइस पर मैंने वीडियो बना करके बताया था, और OnePlus Nord डिवाइस भी दोनों दिखाए थे मैंने। परंतु आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ OnePlus के डिवाइस के अलावा भी कुछ और डिवाइसेस जो कि लगभग 2 साल या 3 साल पुराने जरूर हैं, परंतु उन पर ये फीचर्स अवेलेबल है। कैसे ये वर्क कर रहा है और क्या आप इसे वर्क करा सकते हैं अपने डिवाइस पर, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन OS 11 एंड्रॉइड 11 के साथ में जो आया हुआ देखने को मिलता है, इस पर आपको एक खास बात देखने को मिल जाती है। डेवलपर ऑप्शंस के अंदर एक नया खास फीचर देखने को मिल जाता है, इनेबल वाईफाई कवरेज एक्सटेंडेड फीचर्स। इसे आप अगर इनेबल कर देते हैं तो क्या आपका हॉटस्पॉट और वाईफाई दोनों एक साथ वर्क करेंगे? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर इस फीचर्स को इनेबल कर देते हैं तो ये वर्क नहीं करते हैं दोनों एक साथ। कैसे वर्क कर सकते हैं इसके बारे में मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास कुछ डिवाइसेस हैं, इन पर मैं सभी पर टेस्ट करके आपको दिखाने वाला हूं किस पर वर्क कर रहा है और किस पर वर्क नहीं कर रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ डिवाइसों में OnePlus 70, Redmi Note 8, Xiaomi Poco F1, OnePlus 9, OnePlus Nord देखने को मिल जाते हैं। इन सभी पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे ट्राई करके। तो आपको मैं दिखाऊँ, सबसे पहले OnePlus 9 स्मार्टफोन है ये मेरे पास, इस पर अगर मैं यहाँ पर वाईफाई को इनेबल कर देता हूँ तो वाईफाई इनेबल हो चुका है। साथ में मैं हॉटस्पॉट को भी इनेबल कर देता हूँ तो क्या दोनों चीज़ें वर्क कर रही हैं? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें एक साथ वर्किंग में हैं, आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर टैप करके अगर दूसरे डिवाइस को मैं कनेक्ट करना चाहूँ इसके द्वारा, वो भी मैं कनेक्ट करके आपको दिखाऊँगा। परंतु उससे पहले मैं आपको इसके डेवलपर ऑप्शंस में दिखा देता हूँ क्या मैंने वाईफाई एक्सटेंडेड नाम का फीचर्स इनेबल किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर पहले इसका जो डेवलपर ऑप्शन है उसको मैं इनेबल कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं जाकर के आपको दिखा देता हूँ नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वाईफाई एक्सटेंडेड फीचर्स है वो पूरी तरह से ऑफ है, उसको मैंने इनेबल नहीं किया है। साथ में डेवलपर ऑप्शंस भी इसके ऑफ हैं, परंतु ये चीज़ वर्किंग में है। साथ में इस पर मैं वाईफाई हॉटस्पॉट का अगर मैं पासवर्ड शेयर करता हूँ दूसरे डिवाइस पर तो मैं यहाँ पर OnePlus का जो Nord स्मार्टफोन है उसको मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं OnePlus 9 ये रहा और ये है मेरे पास में OnePlus Nord, इसका जो हॉटस्पॉट है वो इस पर आ गया है और ये वाईफाई चल रहा है एक्साइटल का, जो कि एक अलग मेरा वाईफाई सिस्टम है उसके द्वारा इसने नेटवर्क लिया। उसके बाद एक्सटेंड करने के लिए इस डिवाइस को इसने नेटवर्क दे दिया है अपनी तरफ से। तो ये आप इस तरीके से इस डिवाइस पर भी यूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा तरीका है, जो ये चीज़ आपको हाई एंड रेंज के डिवाइस पर देखने को मिल जाती है। क्या आपको ये चीज़ केवल हाई एंड रेंज पर ही देखने को मिलेगी, OnePlus के और डिवाइसेस पर देखने को नहीं मिलेगी क्या? तो उसके बारे में भी मैं आगे आपसे बात करता हूँ। तो जैसा कि आपने इस पर देख लिया दोनों चीज़ें वर्किंग में है। अब मैं आपको अगर OnePlus Nord स्मार्टफोन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर OnePlus Nord पर जो वाईफाई है वो कनेक्टेड है मेरा एक्साइटल का। साथ में हॉटस्पॉट को अगर मैं इनेबल कर देता हूं तो ये चीज़ इनेबल नहीं हो रही है, यहां पर दोनों चीज़ें एक साथ वर्किंग में नहीं आ रही हैं। तो OnePlus Nord का मुझे पक्का यकीन नहीं है कि ये फीचर्स अवेलेबल होगा OnePlus की तरफ से। परंतु अगर मैं यही फीचर्स आपको दिखाऊं अपने Xiaomi के Poco F1 पर, तो ये डिवाइस यहाँ पर लगभग 2 साल से ऊपर पुराना है मेरा। इस पर अगर मैं देखता हूँ तो ये इसका जो वाईफाई है वो इनेबल है, साथ में हॉटस्पॉट को मैं अगर ऑन करता हूँ तो ये यहाँ पर हॉटस्पॉट भी इसका ऑन हो गया है। इसी को अगर मैं अपने OnePlus Nord पर मैं कनेक्ट करके दिखाऊँ साथ में ही तो क्या ये कनेक्ट होगा? इस पर भी मैं यहाँ पर कुछ इसी तरीके का टेस्ट करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं Poco F1 लिखा हुआ आ गया है जो इसका डिवाइस नेम है, और मैं इस पर टैप करके मैं इसका जो पासवर्ड है वो यहां पर ले लेता हूं।
तो आप देख सकते हैं इसका जो इंटरनेट है वो वाईफाई का चल रहा है, और साथ में इसने एक हॉटस्पॉट के रूप में अपने दूसरे डिवाइस को जो हॉटस्पॉट है वो प्रदान कर दिया है। आप देख सकते हैं इस पर ये चीज़ वर्किंग में आ गई है। ये डिवाइस मेरा Xiaomi का Poco F1 जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना, लगभग 3 साल होने वाले हैं इस डिवाइस को, तो ये यहाँ पर इस चीज़ का उपयोग कर रहा है। इसका जो अपडेट है वो अभी हाल ही में आया हुआ था, तब ये चीज़ वर्किंग में इस पर देखने को मिल जाती है। साथ में अगर मैं बात करूँ Redmi Note 8 स्मार्टफोन की, जिसका मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, इसमें भी अगर मैं बात करूँ इन्हीं चीज़ों के बारे में, तो क्या चीज़ वर्किंग में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाईफाई वर्किंग में देखने को मिल जाता है। हॉटस्पॉट अगर मैं इसका अवेलेबल करता हूँ तो ये वर्किंग में नहीं आता है, डिवाइस ये यहाँ पर यूज नहीं कर रहा है। ये डिवाइस मैं आपको बता दूँ लेटेस्ट अपडेट पर रन कर रहा है, जो कि ऑफिशियल बीटा वर्जन जो चल रहा है अभी, जो आप इसके प्लॉट टेस्टर बनना चाहें तो आप बन सकते हैं, वो अवेलेबल है मेरे पास ग्लोबल वर्जन, उसको मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। इसमें ये चीज़ अभी अवेलेबल नहीं हुई है, बल्कि ये डिवाइस एंड्रॉयड 11 पर रन कर रहा है, और Xiaomi का Poco F1 जो है वो एंड्रॉयड 10 पर मेरा रन कर रहा है। ये चीज़ उस पर एक खास है, ज़रूरी नहीं है कि एंड्रॉयड 11 पर ही ये फीचर्स अवेलेबल हो, उसमें जो अपडेट दिया उसमें ये चीज़ वर्किंग में आ चुकी है। OnePlus 7T की बात करूँ तो ये मेरा OnePlus 7T स्मार्टफोन है, जो कि सबसे लेटेस्ट अपडेट 11.0.2.1 पर रन कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही में अगर मैं इस पर वाईफाई के साथ में हॉटस्पॉट को अवेलेबल करता हूँ तो ये चीज़ वर्किंग में नहीं आ रही है, इस पर ये चीज़ काम नहीं कर रही है। इसी के साथ मैंने कुछ और डिवाइसेस के साथ में ट्राई करके देखा, Redmi Note 9 के साथ में और Redmi 9 Prime के साथ में, दोनों पर वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ आप इनेबल कर सकते हैं, उन पर ऐसा कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है। परंतु मुझे उम्मीद है कि OnePlus 7T पर आपको आने वाले फ्यूचर में ये फीचर्स देखने को मिलेगा, OnePlus Note पर भी देखने को मिलेगा और Redmi के Note 8 डिवाइस पर भी देखने को मिलेगा। साथ में जो भी डिवाइसेस हैं Snapdragon के साथ में और जिनको अभी अपडेट आने बाकी हैं, उन सभी पर उम्मीद है कि हॉटस्पॉट और वाईफाई दोनों एक साथ वर्क करेंगे, ऐसा अपडेट उन्हें देखने को मिलेगा, जैसा कि मेरे Xiaomi Poco F1 को देखने को मिल जाता है। इसका मैं यहाँ पर बहुत लंबे समय से यूज कर रहा था, तब ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं था, परंतु अब इसमें देखने को मिल जाता है, और OnePlus 9 ऑफिशियली इन दोनों फीचर्स के साथ में अवेलेबल आता है। तो ये चीज़ आप को यहाँ पर मैं बताना चाह रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसमें जाकर के इस सेटिंग्स के द्वारा कर लेंगे, ऐसा कुछ भी, ये सारी जो भी वीडियोस आपने देखी हैं वो सभी फेक हैं, उन सभी वीडियो से कोई भी निष्कर्ष यहाँ पर ऐसा नहीं निकलता है। इसी के साथ यहाँ पर आप सम डिवाइसेस में वाईफाई 6 का भी यूज कर सकते हैं, जो भी अगर सपोर्ट करते हैं वाईफाई 6 का, तो आप देख सकते हैं वाईफाई 6 भी इसमें अवेलेबल है, और जो वाईफाई है आपका वो भी एक साथ वर्किंग में है, हॉटस्पॉट वाईफाई 6 का आप इनेबल कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें इसमें सुविधाएं आपको देखने को मिल जाती हैं, जिनका आप यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो वाईफाई और हॉटस्पॉट को एक साथ इनेबल करना है, इसे आप डेवलपर ऑप्शन में जाकर के या फिर किसी और तरीके से इनेबल नहीं कर सकते हैं। इन्हें जो बनाने वाले डेवलपर हैं वही इनकी जो API में चेंजेस करते हैं उसी के द्वारा आप इन्हें इनेबल कर पाएंगे, और ये आई होप है कि जल्द ही आपको इसका जो अपडेट है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि Xiaomi के Poco F1 डिवाइस पर जब लॉन्च किया गया था उस पर ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं था, परंतु अब देखने को मिल जाता है। उनके जो डेवलपर्स हैं उन्होंने यहाँ पर ये फीचर्स को इनेबल कर दिया है, और आने वाले सभी जो बजट मोबाइल फ़ोन्स हैं उनमें भी ये फीचर्स आपको इनेबल देखने को मिलता है, OnePlus के जो फ्लैगशिप डिवाइस हैं उन पर देखने को नहीं मिलता है। उन पर मुझे उम्मीद है कि अपडेट जैसे जैसे आएंगे और आपको ये फीचर्स देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मैं OnePlus 7 सीरीज की अगर मैं बात करूं तो आपको हो सकता है कि ऑक्सीजन OS 12 के साथ में यह फीचर्स अवेलेबल देखने को मिले आपके लिए। तो फिलहाल मैं आज की वीडियो में कुछ इतना ही, उम्मीद करता हूँ अब आप लोग इस तरीके के किसी भी वहम में नहीं पड़ेंगे, और जो लोग यहाँ पर इस वीडियो को देखने आए होंगे, अगर उन्होंने वो यूट्यूबर हैं, अगर ऐसी वीडियो उन्होंने बनाई हुई है जो कि इस तरीके की गलत है, तो वो यहाँ पर वीडियो को डिसलाइक ज़रूर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो नॉलेज लेने आए हैं वो यहाँ पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर कर दें, जिससे कि उनको भी इसके बारे में सही जानकारी मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।